दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है तो शायद आप कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कौन से राज्य में अपनी द्वारिका बसाई थी? अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपना घर बसाया हो वो राज्य भला कैसे गरीब रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात एक ऐसा राज्य जिसने हमारे देश को न जाने कितने महान लोग दिए, एक ऐसा राज्य जिसने हमारे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लीडर दिया, एक ऐसा राज्य जिसने हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया। गुजरात ने हमारे देश को मोहनदास करमचंद गांधी जैसा महात्मा दिया और अमित शाह जैसा सशक्त लीडर भी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को एशिया की सबसे कैपिटल ग्रीन सिटी कहते हैं, और तो और भारत का सबसे अमीर दूसरा शहर भी इसी राज्य में है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। आज हम भारत के सबसे सशक्त और संपन्न राज्यों में से एक गुजरात की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव भी आएंगे जिन्हें देखकर आपको वाकई में लगेगा कि गुजरात में कुछ तो दम है। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दें, गुजरात की कुल आबादी 6,48,00,000 है, और तो और यहाँ की कुल आबादी के 45% लोग शहरों में निवास करते हैं। और इस राज्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर गांव में रहने वाले लोग भी अच्छे खासे संपन्न होते हैं। हरियाली के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे हरा भरा शहर है। यहाँ के खूबसूरत पार्क वाकई में देखने लायक है। हाईवे पर चलते समय आपको दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। एक बार इस शहर की यात्रा कर लेने के बाद कोई भी इंसान इस शहर को नहीं भूल सकता। गांधीनगर में सड़कों का स्ट्रक्चर और आधुनिक तरीके से बनाए गए पुलों को देखकर कोई भी हैरान रह जाता है, और ये सब मुमकिन हो पाया यहाँ रहने वाले लोगों की मदद से। इस शहर में रहने वाले लोग शहर को साफ स्वच्छ रखने में पूरी मदद करते हैं और शहर के अंदर लगे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हम आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में गुजरात में खूब विकास हुआ। वैसे गुजरात का इतिहास बड़ा पुराना है, ये एक ऐतिहासिक राज्य है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को इसी राज्य में बसाया था, और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा भी इसी राज्य में रहते थे। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से भी बहुत पुराना नाता रखता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी राज्य में हुआ। प्राचीन काल में लोथल शहर में पुराने भारत का सबसे पहला बंदरगाह बनाया गया, और ये शहर भी गुजरात की सीमा में ही आता है। इसके अलावा सूरत शहर के समुद्री तट पर बनाया गया बंदरगाह भारत का एक जाना माना बंदरगाह था, जो मध्य भारत में भारत का व्यापार केंद्र था। मध्य भारत में सूरत के बंदरगाह का यूरोप से गहरा नाता था, क्योंकि यूरोप से माल लेकर आने वाले अधिकांश जहाज यहीं पर रुकते थे। पुरातत्व विभाग के अनुसार गुजरात में अब तक टोटल 50 ऐसे शहरों की खोज की जा चुकी है जो प्राचीन काल में हुआ करते थे। गुजरात की इसी पावन धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में ही तो हुआ था, और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाता भी इसी धरती से है। देश के सबसे अमीर और जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी भी गुजरात में ही पैदा हुए थे। इसके अलावा एक और बड़े बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा भी गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं। देश के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई भी गुजरात में ही तो पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी गुजरात से बड़ा गहरा नाता है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि गुजरात की धरती कितनी महान है। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी किस हद तक पांव पसार चुकी है। इस युवा देश में अधिकांश युवा बेरोजगार है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर बेरोजगारी सबसे कम है। 2015 में हुए एक सर्वेक्षण के बाद ये बात सामने आई कि गुजरात में केवल 1.2% लोग ही बेरोजगार हैं। गुजरात बिजली बनाने, कोयला उत्पादन, गैस उत्पादन और अन्य उपकरण बनाने में देश में दूसरे नंबर पर है। मतलब यहाँ पर बिजली और गैस का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे देश की अधिकांश जरूरतें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, भला गुजरात में सभी लोगों के पास रोजगार कैसे है, आखिर वो लोग करते क्या होंगे? तो हम आपको बता दें, गुजरात में एक चीज सबसे ज्यादा चलती है और वो है बिजनेस। कहा जाता है गुजराती लोगों के खून में बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा बिजनेस करना जानता है, तभी तो धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन इसी मिट्टी में पैदा हुए। रुस्तम, आपको बता दें, गुजरात में पढ़ाई करने के बाद
अधिकांश बच्चे बिजनेस को अपना फ्यूचर चुनते हैं और खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुजरात एजुकेशन के मामले में पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में शिक्षा दर 78% है, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में काफी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, हमारे देश में लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमारी सड़कें बड़ी खराब है और सड़कों पर बहुत गंदगी पाई जाती है, लेकिन गुजरात की सड़कें देखकर वाकई आप यहां की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। गुजरात की सड़कें एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है और सड़कों के किनारे बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि गुजरात के रेलवे स्टेशन भी बहुत शानदार और स्वच्छ पाए जाते हैं। और क्राइम के मामले में गुजरात हमारे देश का सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है। यहाँ क्राइम ना के बराबर है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में रात को लड़कियां घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती, हालांकि ये ट्रेंड आजकल बदल रहा है और अब लड़कियां भी आगे आ रही हैं, लेकिन गुजरात में लड़कियां हो या फिर कोई बच्चा, सभी लोग आराम से रात में घर से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ की पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी करती है। इसके अलावा गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बंद है, मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान शराब नहीं बेच सकता, इसलिए गुजरात को नशा मुक्त राज्य भी कहते हैं। भारत के कुल सोडे का 91% सोडा एक प्रोडक्शन हाउस गुजरात में ही है और भारत में बनने वाले कुल नमक का 66% नमक गुजरात में बनता है। इसके अलावा गुजरात के सूरत शहर को भारत का बिजनेस हब कहा जाता है। यहाँ के हीरे पूरे दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, ये तो हुई बिजनेस की बात, अब खाने पर आते हैं। आपने गुजराती नमकीन तो जरूर खाई होगी। जी हाँ, खाने पीने के मामले में गुजराती लोग बड़े बिंदास रहते हैं। यहाँ की नमकीन और मिठाइयाँ पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर शक्कर की सबसे ज्यादा खपत होती है। इसके अलावा गुजरात में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। अगर खेती की बात करें तो गुजरात में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल और कपास प्रमुख है। गुजरात का ढोकला पूरे हिंदुस्तान में बड़े चाव से खाया जाता है। गुजरात के लोगों ने अपनी परंपरा को आज भी संजो के रखा है। गुजरात के फोक डांस, गरबा और डांडिया आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। गुजरात में नवरात्रि के दिनों में खेला जाने वाला डांडिया नृत्य वाकई में देखने लायक होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानकर गुजरात जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता देते हैं जो आपके टूर को और स्पेशल बना सकती हैं। नंबर एक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू को बनाया गया है, जिसे पूरी दुनिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बनने के बाद ही यहाँ पर देशी विदेशी टूरिज्म का तांता लगा रहता है। नंबर दो, कच्छ ऑफ रण। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान अपने आप में अनूठी जगह है। इस रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है। इस रेगिस्तान के ज्यादातर इलाके में नमक भरा पड़ा है, इसलिए देखने पर सफेद रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर होने वाले रंग फेस्टिवल अपने आप में बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है। ये फेस्टिवल हर साल होता है यहाँ पर। नंबर तीन, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। वैसे इसका नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि गुजरात की राजधानी का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस शहर की सुंदरता और हरियाली किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकती है। अक्षरधाम मंदिर भी इसी शहर में आता है। दोस्तों, कहा जाता है शहर का माहौल बड़ा ही शोरगुल से रहता है, लेकिन गांधीनगर का माहौल बड़ा ही शांत है। इस शहर को भारत के सबसे शांत शहरों में गिना जाता है। नंबर तीन, वडोदरा। वडोदरा शहर के लक्ष्मी विलास मंदिर की खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। ये शहर ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। नंबर चार, द्वारका। शायद ही देश का कोई ऐसा इंसान हो जिसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना सुना हो। कहा जाता है गोकुल और मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण भगवान ने द्वारका नगरी बसाई थी। द्वारका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है और ये हिंदुओं के चार धाम स्थानों में से एक है, इसलिए हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है द्वारका अरब सागर में समा गई और वर्तमान द्वारका मंदिर का निर्माण कृष्ण भगवान के पोते ने करवाया था। खैर, जो भी हो, लेकिन बंसी बजैया और द्वारकाधीश जैसे नामों से पहचाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण की ये पावन धरती वाकई में नमन करने लायक है। नंबर पांच, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क बब्बर शेरों का सबसे पसंदीदा स्थान है। यहाँ पर लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद है, इसलिए हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी आते हैं। बब्बर शेर के अलावा यहाँ पर कई तरह के जानवर और पक्षी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में तो है। अहमदाबाद शहर, सोमनाथ मंदिर, पोरबंदर, न जाने ऐसी कितनी जगह है जो गुजरात को सबसे स्पेशल बनाती है। तो आप गुजरात की यात्रा पर कब निकल रहे हो, हमें कमेंट करके बताओ। वैसे अक्टूबर से लेकर मार्च तक गुजरात में घूमने का सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।